सेवन क्लास स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज बी स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने पावर एंड एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई किए थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई, ओके। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है सेकेंड, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अंदर है आपके डिवाइड एंड राइट क्वेश्चन है एज वन पावर, उसको आपको किसके अंदर चेंज करना है, वन पावर के अंदर चेंज करना है और डिवाइड को आपको सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिवाइड डिवाइड एज राइट डिवाइड एज राइट वन पावर, इसके अंदर चेंज करना है वन पावर, ओके। तो करते हैं फर्स्ट नंबर आपको देने का सेकेंड का ही थ्री की पावर से डिवाइड थ्री की पावर फोर, ओके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको देने का थ्री की पावर आपको कितने सिक्स एंड डिवाइड करना आपको थ्री की पावर फोर से, एंड इसमें थ्री क्या है बेस है और सिक्स और फोर क्या है पावर है, ओके। तो इसमें सिक्स है एंड फोर पावर और बेस कैसा है इक्वल है, तो इसमें अपन इस डिवाइड को इसे नोट कर सकते हैं। तो थ्री की पावर सिक्स अपॉन के अंदर थ्री की पावर फोर, ओके। इस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया, और इस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया, आपको एक रूल याद आना चाहिए, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, a की पावर m अपॉन a की पावर है, यहाँ a क्या है बेस है, a की बेस m और s क्या है पावर है, तो इसके इक्वल में क्या होता है a और m माइनस n, ओके। यहाँ a क्या है बेस है, ओके। तो a की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपके क्या हो जाएगी a = 3 और m = आपके क्या हो जाएगा 6 और n = भी आपके हो जाएंगे 4, ओके। अब इसके अंदर अपन फॉर्मूले के अंदर या रूल के अंदर ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ओके। इस फॉर्म में तो अपन को गिवन है, इस फॉर्म के अंदर 3 अपॉन 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4 या a की पावर n अपॉन a की पावर n, इस फॉर्म में अपन को गिवन है, अपन को इस फॉर्म के अंदर फाइंड करना है। तो यहां a की वैल्यू क्या नॉट करे 3, फिर m की वैल्यू क्या है यहां पर 6 माइनस m की वैल्यू नॉट करेंगे 4, ओके। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 और 6 में से माइनस 4 के तो लेफ्ट में कितने देंगे 2, यानी 3 की पावर 2 आपके आंसर आ जाएगा। नॉट कीजिए, इसको सॉल्व करना है तो भी 3 का स्क्वायर कितना है, या 3 को 2 टाइम मल्टीपल कराएंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, ओके। आपको यहाँ से की नोट कर लो, आपको 7 की पावर 11 डिवाइड 7 की पावर 5, ओके। 7 क्या है यहाँ पे बेस है और पावर क्या आपके 11 और 5, ओके। इनको सॉल्व करना है, इनको अपॉन के अंदर नोट कर सकते हैं 7 की पावर 11 और अपॉन के अंदर 7 की पावर 5, ओके। वापस वही सेम रूल लगता है, a की पावर m अपॉन b की पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर m माइनस n, ये रूल यूज होगा। तो a की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी प्रूव करते हैं, a इक्वल टू आपके 7 और m इक्वल टू कितना होता है ये 11 और n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5, ओके। अब इनको सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू पुट अप क्या करें,
इक्वल टू है आपके 7, तो ए की वैल्यू 7, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 11 और माइनस का 5 एन की वैल्यू, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 11 से माइनस 5 करेंगे लेफ्ट कितने रहेंगे 6, तो 7 की पावर 6 आपके क्या हो गए आंसर हो गए नॉट कीजिए क्या आ जाएगा बी नंबर का आंसर 7 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सी सी आपको सर्च करना है सी आपका होमवर्क के अंदर है सी नंबर क्वेश्चन आपको कैसा है होमवर्क के अंदर है ओके सर्च करना है सेम है मैं समझा देता हूँ आपको ऑरली करा देता हूँ इसमें क्या दे रखा है माइनस 11 माइनस 11 की पावर 7 डिवाइड माइनस 11 की पावर 4 तो माइनस 11 और बेस हो जाएगा एम की वैल्यू 7 और एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 ए की वैल्यू माइनस 11 तो माइनस 11 की पावर में हो जाएगी 7 माइनस 4 तो 7 में से 4 लेस करेंगे तो 3 हो जाएंगे तो माइनस 11 की पावर 3 आ जाएगी क्या आंसर आएगा माइनस 11 की पावर 3 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डी आपके ई के अंदर दे रहे क्या 1/3 दे रहे हैं 1/3 की पावर है 7 और डिवाइड 1/3 की पावर 5 ये किसके नाम को है इसके आप क्या करना अपन को इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में आपको नंबर गिवन है दे रहे हैं तो इसको आप कैसे भी कर सकते हो 1/3 की पावर 7 और डिवाइड 1/3 की पावर 5 वापस से इसी फॉर्म हो गया ए की पावर है और ए की पावर है 1/3 यानी कि ए हो जाएगी 1/3 एन हो जाएगी 7 और एन की हो जाएगी 5 इसी फॉर्म में आप ए की मेथड से रखो तो क्या हो जाएगा ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस एन ओके तो क्या बेस हो जाएगा 1/3 की पावर 7 माइनस 5 ओके तो कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 7 में से माइनस 5 करेंगे कितने लेफ्ट रहेंगे आपके 2 कितना हो जाएगा
टू, तो वन अपॉन थ्री की पावर कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। ये आपके आंसर है और कीजिए। ओके, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो गई है, वन अपॉन थ्री, एम की वैल्यू क्या थी, सेवन, और एन की वैल्यू क्या थी, फाइव। ओके, और कीजिए आपको एक फॉर्म में चेंज करके कर सकते हो और नहीं कर सकते, एक सेकेंड मेथड आपको ऐसे बता रहा हूँ, ऑलरेडी डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे आपको दोनों जगह आपके प्रयोग फॉर्म के अंदर बेस है, वो क्या है, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब आप डायरेक्ट जो फर्स्ट पावर है उनमें से सेकेंड पावर को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आप चेंज कैंसिल आ जाएगा। कैसे, आपको नॉट करना आपको भी कर सकते हो। सेकेंड मेथड के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या करना, आपको बेस सेम है, ये आपको कंडीशन है अप्लाई कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री आ रहे, इसके अंदर आप क्या करो, डायरेक्ट वन अपॉन थ्री इंटू वन फाइव नॉट कर दो। फिर फर्स्ट वाली पावर क्या है, सेवन, सेवन को सेवन में से माइनस कर दो सेकेंड पावर, आपके आंसर हो जाएगा वन अपॉन थ्री का वन अपॉन थ्री, और सेवन में से माइनस फाइव करेंगे क्या हो जाएगा, टू। तो ये आपके आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसी मेथड से कर सकते हो डायरेक्ट। पर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, पर तुम अभी डायरेक्ट से भी कहीं जरूर दो तब कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, एफ के अंदर दे दीजिए माइनस का एक अपॉन सेवेंटी की पावर थर्टी डिवाइड माइनस एट अपॉन सेवेंटीन की पावर सिक्सटी। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना होगा। अब इसका डायरेक्टली अपन आंसर नॉट कर सकते क्या, यहाँ पे बेस नहीं, माइनस के एट अपॉन सेवेंटीन या इक्वल आ रहा है, तो बेस वन टाइम नॉट किया, माइनस के एट अपॉन सेवेंटीन और उस पर पावर है ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन कर देंगे, तो कितना हो जाएंगे, ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन करेंगे लेफ्ट कितने रहेंगे, फाइव। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, जैसे मैंने डायरेक्ट बताया। और इसको अपन कैसे चेंज कर रहा हूँ, अपॉन कैसे चेंज कर, माइनस एट अपॉन सेवेंटीन और माइनस एट अपॉन सेवेंटीन। ओके, इससे पावर कितने हो जाएगी, ट्वेंटी और इसके कितने, फिफ्टीन। ओके, अब ये किस फॉर्म में, एक अपॉन एक पावर एम अपॉन ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, माइनस एट अपॉन सिक्सटीन और एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, ट्वेंटी और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिफ्टीन। ओके, अब आपके ए की वैल्यू इस फॉर्म में वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस एट अपॉन सेवेंटीन और एन की वैल्यू ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, माइनस एट अपॉन सेवेंटीन और ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन करेंगे तो लेफ्ट करेंगे फाइव। ये आपके आंसर है, नोट कीजिए। नेक्स्ट जी नंबर क्वेश्चन है, आपको खुद को चल फॉर्मर के अंदर करना है। जी नंबर क्वेश्चन आपको फॉर्मर के अंदर करना है। ओके,
एक नंबर क्वेश्चन आपको ऑफर कैसे सेल करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कौन से स्क्वायर है, एक पावर है,
अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस एन। ए की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे माइनस का है, एन की वैल्यू क्या होता है 17 और एन की वैल्यू क्या होता है 5। ओके तो ए इक्वल टू यहाँ ए की वैल्यू क्या नोट करेंगे माइनस का है और एन की वैल्यू 17 माइनस 5 तो कितने आ जाएगी माइनस है और 17 माइनस 5 करेंगे तो लेफ्ट में कितना लेंगे 12। 17 माइनस 5 करेंगे तो लेफ्ट में 18 ये आपके आंसर है। और इसी के साथ आपके सेकेंड नंबर के सर कंप्लीट हो गए हैं। ओके मैंने आपको इसके अंदर कौन से क्वेश्चन और कोर्ट के अंदर दिया था 103 नंबर क्वेश्चन के भी नॉन बोर्ड के अंदर था और एक आपके जी जी और जी के अलावा मैं कुछ क्वेश्चन आपको होम वर्क के अंदर दे रहा हूँ। इसी टाइप से करना जैसे आपने सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ये सारे क्वेश्चन किए इसी टाइप से आपको होमवर्क के अंदर करना है। ओके ये रख करके आपको होमवर्क देता हूँ और एक्स्ट्रा होमवर्क नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर माइनस 5 की पावर 11 डिवाइड माइनस 5 की पावर 3 सेकेंड है आपके माइनस 5 माइनस 5 की पावर 3 डिवाइड माइनस 5 की पावर 3 ओके 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 7 डिवाइड माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 ओके 3 प्लस 4 माइनस 31 की पावर 9 माइनस डिवाइड माइनस 31 की पावर 5 ओके इनको सॉल्व कीजिए ये आपको होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है। ओके नोट कर लीजिए।